नमस्कार दोस्तों, छात्र हैं छात्राओं। आज अपना जो टॉपिक था राजस्थान का परिवहन पार्ट नंबर 4, कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग बच गए हैं उनको पूरा करेंगे हम, और उनको पूरा करते हुए पीछे वाले भी एक साथ रिपीट कर देंगे, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें। और सबसे पहले तो अपने यूट्यूब जब आप खोलते हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वो पहुँचे, वो ज्ञान मिले, और साथ में इसको लाइक करें, कमेंट्स लिखें, ताकि पता चले कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, और इसकी स्पीड है वो अपने हिसाब से तय कर लें। क्वालिटी अगर कम आ रही है तो जब उसमें इस साइड में अगर बटन दबाएंगे तो तीन टिनकियाँ आएंगी इस प्रकार से, उनको दबाएंगे तो इधर क्वालिटी लिखा आता है एक बटन, तो क्वालिटी उसमें बढ़ा लें, 480 360 से ऊपर ले लें, 144 में साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग की, यानी कि राजस्थान का परिवहन, तो इसमें पार्ट नंबर 4 है। देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अपने नक्शा बनाते हैं और नक्शे के आधार पर चलेंगे। ये लीजिए, राजस्थान का नक्शा तैयार है। अब देखते हैं इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन सा पढ़ चुके हम। देखिए, एक तो NH3 पढ़ चुके हैं, जिसका नया नाम क्या है, 44। फिर से बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा इसको आपको। यहाँ पर आगरा है और आगरा से चलता है NH3, जो मैंने पहले बताया था आपको, मुंबई को जाता है, ध्यान रहे, कहाँ जाता है, मुंबई को जाता है। और इसका नया नाम क्या कर दिया है, इसका नाम नया नाम कर दिया 44, ठीक है। इसका पहले नाम था 3, अब 44 कर दिया नया नाम। मात्र धौलपुर जिले से होकर गुजरता है, धौलपुर जिला, ठीक है। और एक बताया था मैंने आपको कि ये उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर में भी सम्मिलित है। भारत का जो कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ आपको, भारत का नक्शा बना करके, ये कॉरिडोर क्या है, एक तो चतुर्भुज योजना है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, और एक कॉरिडोर है, दोनों बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। और यहाँ श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक, ये श्रीनगर है, श्रीनगर, और यहाँ पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में है। यहाँ तक ये उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऐसे ही ये पश्चिमी पूर्वी कॉरिडोर है, ये पोरबंदर है, पोरबंदर गुजरात में है, पोरबंदर, गांधी जी के 3 बंदर, तो ये पोरबंदर है, ये सिलचर है, सिलचर असम में पड़ता है, ठीक है ना, असम में। तो पोरबंदर से सिलचर तक ये पश्चिमी पूर्वी कॉरिडोर है, इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है, और दोनों की कुल मिलाकर के, यानी कॉरिडोर है, इनकी कुल लंबाई है 7300 किलोमीटर। कितनी है, 7300 किलोमीटर, यानी उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर की लंबाई 4000 किलोमीटर है और पश्चिम पूर्वी कॉरिडोर की लंबाई है वो 3300 किलोमीटर, दोनों में जाकर के 7300 किलोमीटर है ये कॉरिडोर की लंबाई। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे हम तो बड़ी आसानी से जा सकते हैं इस कॉरिडोर से, यहाँ कोई बाधा नहीं होती, ना रेलवे बाधा, ना कोई किसी प्रकार का, यानी कि वो जाम वगैरह लगने का, तो यहाँ जय पुल वगैरह या अंडर ओवर ब्रिज वगैरह जिस प्रकार से हम आसानी से जा सकते हैं, ट्रक द्वारा, बस द्वारा, कोई रुकावट नहीं, जैसे रेल जाती है ना बिना किसी रुकावट के, ऐसे ही। तो ध्यान रहिए, ये दोनों कॉरिडोर आपस में झांसी में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, झांसी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पश्चिम पूर्व कॉरिडोर है भारत का, ये आपस में दोनों को एक दूसरे को काटता कहाँ है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, झांसी। और इसके अलावा मैंने और भी बताया था, देखिए दिल्ली है, ठीक है, और ये यहाँ पर मुंबई है, ठीक है, और ये चेन्नई है, यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, या कोलकाता है, ठीक है। तो ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, ये चतुर्भुज बन गए, इसको बोलते हैं स्वर्ण चतुर्भुज योजना। तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना में भी अपने एक NH शामिल बताऊंगा मैं आपको, तो इस प्रकार से ये कॉरिडोर समझ में आ गया होगा। उसमें एकमात्र NH44 सम्मिलित, अर्थात पहले इसका नाम था 3, ये धौलपुर जिले से होकर गुजरता है, मात्र 28 किलोमीटर। दूसरा जो NH है वो अपने है 8, 8 का नया नाम है, एक तो 48 और एक 58, मैं पहले बता चुका हूं, यहां दिल्ली है, दिल्ली से चलता है, और इस प्रकार से ये रेवाड़ी, यहाँ रेवाड़ी आता है, रेवाड़ी के पास से होता गुजरता है रेवाड़ी, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये आता है बैरोड होता हुआ, बैरोड अलवर में हो गया ना, ये हो गया यहाँ अलवर, ठीक है, अलवर। फिर इसके बाद में जयपुर है, ठीक है, ये जयपुर हो गया, कोटपुतली होता हुआ जयपुर, फिर जयपुर से आ गया अजमेर,
फिर अजमेर से कहाँ आ गया ये, आगे आ गया राजसमंद, राजसमंद। फिर उसके बाद में आ गया उदयपुर, फिर उसके बाद में आ गया डूंगरपुर। डूंगरपुर की सीमा ही स्पर्श करती है, ना कि डूंगरपुर जिला मुख्यालय, ध्यान रहे डूंगरपुर की सिर्फ मात्र सीमा स्पर्श करती है इस प्रकार से डूंगरपुर, ठीक है। ये थोड़ी सी सीमा स्पर्श करती है, ये डूंगरपुर हो गया, ये निकल गया, ये कहाँ निकल गया, मुंबई को निकल गया, यानी कि आगे ये अहमदाबाद सूरत होता है मुंबई को चला जाता है। ये एनएच 8 है, इसका नाम क्या है, 8, लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम कर दिया, 48 और 58। मात्र मैंने बताया था आपको 4 और 5 लगाना है, दोनों बार 8-8 तो आगे रहेंगे, तो एनएच 8 है। ये राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे व्यस्तम है और राजस्थान को बीचों बीच विभाजित करता है, ध्यान रहे ये एक औद्योगिक कॉरिडोर है, दिल्ली से मुंबई तक उद्योग ही उद्योग स्थापित होंगे, बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही, विदेशी कंपनियां आ रही, विदेशी उद्योग आ रही, तो इसी एनएच पर सबसे ज्यादा शामिल वो स्थापित होंगे। तो इसलिए ये एनएच 8 मैंने पहले बता दिया, इसका नया नाम 48 और 58। ये पार्ट नंबर आप 3 में आराम से पढ़ सकते हो, दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर फालतू टाइम लगेगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं अपने 8 के बाद में 11, एनएच 11, तो 11 की क्या स्थिति है, तो 11 की बात करूं मैं तो ध्यान रहे एनएच 11 का नया नाम है वो 21, 52 और 11, क्या है 21, 52 और 11, कैसे देखिए आगरा से चलता है, ठीक है ना, फिर आ गया ये भरतपुर, ठीक है ना, भरतपुर पहले बताया था मैंने, क्या बोला था गाना राष्ट्र पक्ष अभ्यारण्य है वो इसी पर है। फिर आ गया यहां पर ये दौसा, फिर आ गया जयपुर, जयपुर में घाट की घोड़ी को पार करता ही है एनएच 11, ध्यान रहे। फिर इसके बाद में आता है सीकर, सीकर से आता है फिर ये अपने रतनगढ़ डूंगरपुर होता हुआ और ये बीकानेर आ गया, कौन सी जगह आ गया, बीकानेर तक, ये है एनएच 11। तो समझे इसको, एनएच 11 है इसका, देखिए जयपुर से सीकर तक का नाम हो गया 52, क्या हो गया 52, और इधर अगर जयपुर से और आगरा तक की बात करें तो इसका नाम देंगे 21। तो इस प्रकार से 21, 52 और 11, ये 3 नए नाम होंगे 11 के, क्योंकि एनएच 11 है वो नया बन गया है। एनएच 11 रेवाड़ी से चलता है, रेवाड़ी से नारनौल, फिर अपने राजस्थान में झुंझुनू जिले में सिघाणा और झुंझुनू फतेहपुर होता हुआ, और फिर उसके बाद में ये रतनगढ़, ठीक है, और बीकानेर, बीकानेर से चला जाएगा ये जैसलमेर तक एनएच 11, ये नया बनाया है एनएच 11, इसलिए एनएच 11 अब फतेहपुर से आगे आगे रह गया है, इसलिए इसके 3-3 नए नाम दे दिए एनएच 11 के। ये एनएच 11 वैसे आगरा से बीकानेर तक था, ध्यान रहे एनएच 11 पूछे कि सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एनएच कौन सा, तो एनएच 11 है, बता दिया मैंने आपको। एनएच 12 की बात करूं तो एनएच 12 का नया नाम है 52, और ये मैंने बताया था एनएच 52 आप वर्तमान में सीकर फतेहपुर से शुरुआत होती है इसकी, आप देखेंगे ना सीकर से जयपुर तक जाएंगे तो एनएच 52 मिलेगा आपको नया नाम, बल्कि होना चाहिए यहाँ पर 11, क्योंकि 11 था पहले। अब देखिए 12 है, ये वास्तव में जयपुर से चलता है, कहाँ चलता है, जयपुर से, और इस प्रकार से ये जाता है जबलपुर को, कहा जाता है जबलपुर, ये एनएच 12 है, कौन सा है एनएच 12। तो एनएच 12 का नया नाम क्या दे दिया है, एनएच 12 का 52 दे दिया है, ये जयपुर से जबलपुर, लेकिन अब सीकर से भी आप 52 नाम सुनेंगे तो इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये देखिए जयपुर है, फिर आगे टोंक आता है, इसमें पूछ ले जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, इन जिलों से होता हुआ एनएच कौन सा गुजरता है, तो एनएच 12 बताएंगे, 12 ऑप्शन में नहीं आता तो नया नाम आएगा, कौन सा आएगा 52, तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब है 12 के बाद में एनएच 14, एनएच 14 है ये, देखिए अजमेर का ब्यावर, यहाँ पर ब्यावर है और ब्यावर से थोड़ा सा आगे पड़ता है बर, और बर से शुरुआत होती है और बर फिर पाली आता है इसमें, ठीक है ना, पाली, फिर ये यहाँ आता है आबू रोड, माउंट आबू नाम सुना होगा आपने, आबू रोड माउंट आबू के बिल्कुल तलहटी पर बसा हुआ शहर है आबू रोड होता है। ये एनएच 14 है, ध्यान रहे एनएच 14 है, ये फिर चला गया कहाँ, कांडला बंदरगाह को, एनएच 14 है ये, कांडला को जाता है बर, अजमेर से शुरू होकर के कांडला तक जाता है एनएच 14, और एनएच 14 का नया नाम है वो अब दे दिया गया है 62 और 162, क्लियर है 62 और 162 किसका नाम है एनएच 14 का। अब बात करते हैं एनएच 15 का, तो एनएच 15 है वो मैंने पहले बताया था पठानकोट से चलता है, पठानकोट पंजाब में, पठानकोट, पठानकोट यहाँ जम्मू कश्मीर की सीमा पर है पंजाब में, वहां से चल करके आता है एनएच 15, फिर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर,
फिर थोड़ी सी सीमा इसके हनुमानगढ़ की भी लगती, बारीक सी कहें तो मात्र ही 1-2 किलोमीटर दूरी। फिर इसके बाद में हनुमानगढ़ से आगे बीकानेर, ठीक है ना, ये बीकानेर हो गया, ये श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में फिर आता है आगे फलौदी, ठीक है ना। फलौदी कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। फिर इसके बाद में ये चला जाता है जैसलमेर, ये NH-15 की बात कर रहा हूँ मैं, NH-15, ठीक है। और फिर जैसलमेर से आ गया बाड़मेर, कहाँ गया बाड़मेर। और फिर उसके बाद में बाड़मेर से जालौर की सीमा होती है, सांचौर आता है, सांचौर जालौर में पड़ता है, ध्यान दे, सांचौर होता हुआ फिर कहाँ गया, कांडला को गया। ये देखिए ये NH-15 समझ में आ गया होगा। और NH-15 का भी नया नाम दे दिया गया है, और NH-15 का अगर हम नया नाम पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ें, एक तो इसका नया नाम हो गया है 11-1-62 और एक हो गया 68, इसमें महत्वपूर्ण 68 है। पूछ रहे हैं NH-15 का नया नाम क्या है, तो NH-15 का नाम 68 बताएंगे, ऑप्शन में अकेला भी आ सकता है 68 भी। तो ये देखिए NH-11 मैंने बताया था, रेवाड़ी से चल करके बीकानेर होता हुआ जैसलमेर तक बढ़ा दिया गया सेना के लिए, अब इसलिए वो NH-11 घुस गया इसमें, ठीक है ना। तो ये NH-15 है, ये पाकिस्तानी सीमा के समानांतर गुजरता है, सबसे लंबा NH बताया था मैंने पहले भी आपको कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है राजस्थान का, तो वो है NH-15। और इसको आपको ध्यान रखना है, ये 7 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। और ये कहें तो इंदिरा गांधी नहर के समानांतर या अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके समानांतर होता हुआ पश्चिम, सबसे पश्चिम में यही NH है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रम पूछे 3 है या 44 सबसे पूर्व में है, फिर उसके बाद में 8 नंबर आ जाएगा ना, फिर उसके बाद में 65 नंबर आ जाएगा, इस प्रकार से क्रम भी पूछ सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना। 15 के बाद में जो अगला NH आपको पढ़ना है वो है 65 नंबर, ठीक है, 65 नंबर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 65 नंबर को देखते हैं, 65 नंबर चलता है देखिए कहाँ से, अंबाला से चलता है, अंबाला हरियाणा में ये आ गया चूरू, कहाँ गया चूरू, फिर ये फतेहपुर, ठीक है ना, फतेहपुर, फिर आ गया सालासर, सालासर के बाद में आ गया नागौर, नागौर के बाद में आ गया जोधपुर, और जोधपुर से चला गया पाली, ठीक है ना, पाली तक। ये NH-65 है, ठीक है, NH-65, लेकिन NH-65 का भी नया नाम हो गया है, तो ध्यान रहे NH-65 अंबाला से लेकर के चूरू, फतेहपुर, सालासर, नागौर, जोधपुर होता हुआ पाली तक जाता है NH-65। और NH-65 की क्या विशेषता है ये आपको याद रखना है, इसका नया नाम याद रखना है NH-65 का, वो क्या क्या नया नाम है देखिए, एक तो इसका नाम है 52, क्या नाम है 52, और एक इसका नाम है 58, ठीक है, और एक और इसका नाम जोड़ेंगे आप, वो नाम है इसका बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, वो है 62, ये महत्वपूर्ण है 62 वाला, क्योंकि ये नागौर से लेकर के आगे, नागौर से पाली तक इसका नाम 62 कर दिया गया है 65 के बजाय। तो ये NH-65 की बात कर रहे हैं, 65 के बाद में 71 बी है, वो देखिए रेवाड़ी है, रेवाड़ी से है, और फिर ये आता है धारुड़ देखिए रेवाड़ी, यहाँ पर मैं मान लू यहाँ ऐसे है, देखिए ये राजस्थान की सीमा है, और यहाँ मान लीजिए धारुड़ है, ठीक है, धारुड़ वहाँ पर है हरियाणा में, और ये है रेवाड़ी, ठीक है ना, रेवाड़ी। तो ये देखो अलवर जिले से मात्र 5 किलोमीटर गुजरा है इसमें, तो ये 71 बी है इसका नाम, ठीक है ना, 71 बी, तो 71 बी है, इसका भी नाम बदल दिया गया, ध्यान रहे 71 बी नाम सुनोगे आपने, ये सबसे छोटा NH है, इसका नाम 919 कर दिया गया है। याद करने का तरीका ये है, 1921 में आपने अंतर देखा होगा कि वो मारो फलाना छोरा है वो 21 है तेरे से, 21 का मतलब ज़्यादा है, 19 नहीं है तेरे से 21, 19 को कम मान लो, तो सबसे कम है, सबसे छोटा है वो 919 है, ध्यान रहे, और 919 NH नया नाम दे दिया गया, ये सबसे छोटा NH है, सबसे छोटा राज्य का सबसे छोटा NH है, ठीक है ना, मात्र 5 किलोमीटर। और भी है एक और जयपुर में, लेकिन मुख्य ये मानेंगे आप, और एक सबसे लंबा NH पूछे तो बताएंगे 15, ठीक है ना, सबसे लंबा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 71 बी, मात्र अलवर जिले से गुजरता है, अलवर से मैंने बता दिया आपको, ये रेवाड़ी से धारूहेड़ा तक जाता है, और फिर 71 बी के बाद में जो आपको अगला जो याद करना है NH, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, छिंतर,
याद रखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, छिंतर, एनएच छिंतर। तो एनएच छिंतर का जो नया नाम है वो सिंपल दिया गया है, मात्र 27। कितना है? 27। ये कहां से कहां तक है? तो ये पिंडवाड़ा है, ठीक है ना। पिंडवाड़ा कहां पड़ता है? पिंडवाड़ा पड़ता है सिरोही जिले में, ठीक है। पिंडवाड़ा से और शिवपुरी तक जाता है, शिवपुरी एमपी में। देखिए कहां से, देखिए ये आबू रोड, आबू रोड से थोड़ा सा आगे चलता है पिंडवाड़ा, यहां पर पिंडवाड़ा, ठीक है ना। ये मैं लिख दूं पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा से चला उदयपुर गया, ठीक है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ से फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की सीमा लगती है वैसे, भीलवाड़ा जिले में नहीं जाता। फिर बूंदी की सीमा लगती है, देखो ये बूंदी की भी सीमा लगती है। और फिर उसके बाद में कोटा, फिर बारा, और फिर चला गया ये शिवपुरी मध्य प्रदेश। ये क्या है? ये एनएच छिंतर है, ध्यान रख लेना, एनएच छिंतर। बल्कि एनएच छिंतर का नया नाम क्या कर दिया गया है? 27 कर दिया गया है। और ध्यान रहे, ये जो पश्चिम पूरी कॉरिडोर बताया था मैंने, पोरबंदर से सिलचर तक, उसमें सम्मिलित है। पोरबंदर से सिलचर तक यानी कांडला तक जाता है, 14 नंबर आता है, 14 अर्थात 162 और 162 अर्थात 14, और 14 के बाद में छिंतर वाला होता हुआ। इस प्रकार से ये दो एनएच 14 और छिंतर दोनों पश्चिम पूर्वी कॉरिडोर में सम्मिलित है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में मात्र एक है, 44 अर्थात 3, एनएच 3 कह दो चाहे 44 कह दो, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में सम्मिलित है। और फिर इसके बाद में स्वर्ण चतुर्भुज योजना में पूछे तो एनएच 8 सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद में छिंतर के बाद में, और ये प्रश्न पूछ लिया गया आपसे कि एनएच छिंतर और एनएच 12 दोनों आपस में क्रॉस कहाँ करते हैं, तो बताएंगे कोटा में, ठीक है ना। ये कोटा में क्रॉस कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब छिंतर के बाद में जो आपको अगला पढ़ना है, महत्वपूर्ण है, उसकी बात करेंगे, और वो है 79, ठीक है ना। एनएच 79 है, वो है मात्र नसीराबाद से निमस तक। कहां से? नसीराबाद से निमस तक। लेकिन इसका नया नाम दे दिया गया है, इसका नया नाम 48 दिया गया है। कितना दिया गया है? 48। तो ये है नसीराबाद, नसीराबाद छावनी है, अजमेर में है, ठीक है ना। नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में है। और ये कहां तक जाता है? नसीराबाद से निमस तक। निमस भी छावनी है, छावनी थी पहले भी, यानी कि राजस्थान में जब रजवाड़ों के टाइम में ये छावनियाँ हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, तो ये नीमच राजस्थान में आती थी, राजपुताना में। नसीराबाद से नीमच तक, देखिए ये है नसीराबाद, यहाँ पर नसीराबाद, ठीक है ना, नसीराबाद, नसीराबाद से और इस प्रकार से भीलवाड़ा आता है बीच में, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा शहर, ठीक है ना। फिर आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से फिर आ गया नीमच को चला जाता है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया होगा। ये है एनएच कौन सा? 79। एनएच 79 का नया नाम क्या दे दिया गया? 48 को 48 भी कह सकते हैं। ध्यान रहे, ये रह गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कोई भी क्या नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। कौन सा जिला ऐसा है जहां कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? तो वो बांसवाड़ा है। फिर इसके बाद में एनएच 79 के बाद में एक और याद रखना आपको, एक 79 ए भी है जो किशनगढ़ से, ये किशनगढ़ है, किशनगढ़ अजमेर में सीधा नसीराबाद को जोड़ता है, वो 79 ए था, ठीक है ना। और 79 ए का नाम 448 कर दिया गया है, 79 ए इसको 448 नाम दे दिया गया। चार और बढ़ा दो, 79 जहाँ ए बढ़ गया वहाँ चार, एक चार और लगा दो, ठीक है ना। तो ये सीधा एक जिले में सम्मिलित है बस, सिर्फ किशनगढ़ से नसीराबाद तक। एक एनएच और बताएंगे आपको जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है अजमेर से लेकर के, और वो आता है नागौर और बीकानेर तक जाएगा, और इसमें 10 बढ़ा दो 79 में, वो 89 कर दो बस। वो एकमात्र एनएच और पढ़ना आपको, और उस एनएच की बात करेंगे अपने 89 की। तो 89 जो एनएच है वो अजमेर से चलता है नागौर और बीकानेर, ये है 89, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर 89। तो 89 का जो नया नाम है वो है 58 और 62। क्या नाम है? 58 और 62, ठीक है। तो ये दो नए नाम दिए गए हैं इसके 89 के, क्योंकि 62 आपको पता है ये नागौर से जोधपुर तक, पाली तक जाता है, ये नागौर से टच हो गया इसलिए 62 आ गया इसमें बीच में, और 58 है वो 8 में टच हो गया इसलिए 58 हो गया, क्योंकि 8 का नया नाम आपको पता है 58 भी दिया है और 48 भी दिया है, देखो 58 48, इसलिए नए नए नाम आ रहे। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये तो कहाँ से कहाँ तक हुआ? ये तो हुआ किशनगढ़ से नसीराबाद, कौन सा? 79 ए। और 89 है ये है अजमेर से वाया नागौर होता हुआ बीकानेर तक जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो ये थे हमारे एनएच। और कौन सा एनएच ऐसा है जहां कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? तो बांसवाड़ा में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, ये याद रख लेना आप। इस प्रकार से आपके राष्ट्रीय राजमार्गों का टॉपिक है ये पूरा हो गया है। और अब आपको इसमें बताएंगे रेल परिवहन के बारे में अगला टॉपिक में। तो थैंक यू, धन्यवाद, सबको शेयर करें। ओके।